हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के समय में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो उपवास रखें। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो यीशु पर विश्वास तो करते हैं, चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, हर संडे को चर्च में जाकर वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन जब बात आती है उपवास रखने की तो बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो उपवास नहीं रखते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से हों जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से आप चर्च भी जा रहे हैं, वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने कोई भी उपवास नहीं रखा, एक भी दिन का उपवास अभी तक आपने नहीं रखा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संडे संडे को उपवास रखते हैं, वो सोचते हैं कि हम संडे संडे को उपवास रखेंगे और बाकी दिन हम उपवास नहीं रखेंगे। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उपवास से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उपवास नहीं रखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उपवास रखना कितना ज़रूरी है, और अगर आप उपवास रख रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं रख रहे तो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि उपवास रखने का सही तरीका क्या है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उपवास रखते हो तो जो तरीका आप कर रहे हैं वो तरीका ठीक ना हो। बाइबल के अनुसार उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। उपवास वैसा नहीं होता जैसे दुनिया के लोग रखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं, खुद मैं भी जब यीशु मसीह पे नहीं था तो हम भी दुनियादारी के तरह उपवास रखते थे। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम वही काम करते थे जो दुनिया में किया जाता था, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हमें बाइबल से पता चला कि जैसा उपवास हम पहले रखते थे, बाइबल उस तरह के उपवास रखने के विषय में नहीं कहती है। इसीलिए आपको उसके तरीका का जानना बहुत ज़रूरी है, एक सही तरीका क्या है बाइबल के अनुसार उपवास रखने का, और जो व्यक्ति उपवास नहीं रखते उन्हें उपवास रखना क्यों ज़रूरी है बाइबल के अनुसार। तो इन सारी बातों को आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटा ये वीडियो रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके ना जाइएगा, क्योंकि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आज आपको बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं उपवास से जुड़ी हुई बातों के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप हर दूसरे तीसरे दिन अगर उपवास नहीं रख पाते हैं तो महीने में कम से कम 2-3 दिन का उपवास आप ज़रूर रखें। हर महीने आप 1 दिन उपवास रखें, किसी महीने 2 दिन उपवास रखें, इस तरह से पूरा एक रूटीन बनाएं और अपने जीवन में उपवास का एक जो दिन है उसको नियुक्त करें, और समय आने पर धीरे धीरे आप उपवास को बढ़ाते चले जाएं। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाइबल में उपवास करने के विषय में कहा गया है। स्वयं यीशु मसीह ने भी उपवास किया था, उनके चेलों ने भी उपवास किया था, और यीशु मसीह ने कहा भी था कि तुम्हें उपवास करना है ताकि तुम्हारा जो शरीर है और आत्मा के विरोध में जो काम करता है उस पर तुम कंट्रोल कर पाओ, इसीलिए तुम्हें उपवास में समय बिताना है। देखिए, उपवास के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप जब उपवास करते हैं तो आप परमेश्वर के संगति में बैठते हैं और बहुत सारे लोग भी आपके साथ होते हैं, आप सामूहिक तरीके से उपवास करते हैं। लेकिन सही मायने में एक उपवास इस प्रकार से भी होता है कि आप अकेले में प्रार्थना करते हैं, अकेले में बैठते हैं और अकेले में ही उपवास कर रहे होते हैं, अपने घर में ही रहते हैं या कलीसिया में अकेले में उपवास कर रहे होते हैं। तो ये दोनों तरीका सही है। आप चाहे तो संगति साथ में लेकर लोगों के साथ में बैठकर भी उपवास कर सकते हैं, आप चाहे तो अकेले में भी उपवास कर सकते हैं, लेकिन तरीका जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल क्या कहती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:16, तो वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं इतना ही वचन आपसे आपको पढ़ाकर बताना चाहता हूं कि यहां पर यीशु मसीह एक बात जो कह रहे हैं जिन लोगों को उपवास रखना, उनसे कि जब भी तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उपवास ना करो। इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपटी हैं, लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं। दुनिया में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो उपवास जब रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे काम करते ताकि लोग उन्हें देखें और उनसे पूछें, क्या भाई आज तुम उपवास में हो, क्या बहन आज तू उपवास कर रही है, इस तरह से पूछते हैं, और इसीलिए वो अपने आप को इस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सुबह सुबह उठेंगे, नहा धो लेंगे, एकदम बढ़िया से अच्छे कपड़े पहन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने सिर पर तेल नहीं लगाएंगे, अपने शरीर पर बिल्कुल भी तेल नहीं लगाएंगे, और बिल्कुल सूखा सूखा सा मुंह लेकर और बिल्कुल बाल उलझे उलझे से बाल लेकर घर के बाहर या कहीं सबके सामने जाएंगे। ऐसे में क्या होता है, लोग उन्हें देखकर पूछते, अरे आज तो कुछ ये अलग दिखाई
दिखाई दे रहा है तो बोलेंगे अरे आज तो उपवास में है क्या, कहें हाँ हाँ आज तो मैं उपवास में हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के उपवास के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कपटी है वो, क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए उपवास कर रहा है। लेकिन प्रभु का लोग जो परमेश्वर के लोग उनके लिए प्रभु की क्या आज्ञा है, किस तरह उपवास रखना चाहिए, उसी वचन को अगर हम पढ़ते उसके अगले लाइन को जब आप पढ़ोगे तो देखो आप उसमें समझ पाओगे। लिखा है परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो। या यीशु मसीह क्या कह रहा है, कपटियों के समान उपवास मत करो जो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे ताकि लोग उनको उपवासी जाने, परंतु तुम जब उपवास करो तो संसारिक लोगों से हटकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास रखो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि भाई तू जैसे डेली रहते हो, रोज रहते हो, उसी तरह रहो, अच्छे से नहा धो लो, अपने सिर में तेल लगा लो, ताकि दुनिया के लोग तुझे देखकर ये ना कह सके तू उपवास रखा है, क्योंकि आपने उपवास दुनिया के लोगों के लिए तो नहीं रखा, परमेश्वर के सामने बैठने के लिए रखा, अपने जीवन के आत्मिक उन्नति के लिए रखा है। तो जब भी आप उपवास करो तो दुनिया को समझ में नहीं आना चाहिए, है ना, दुनिया आपको ये ना कहे कि भाई आज तो ये उपवास में हो। जैसे कोई अगर आपकी तारीफ कर देता है कि भाई ये व्यक्ति तो उपवास में है, तुरंत समझ जाना कि आपका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे लोग विश्वासी लोग उपवास करते हैं लंबी लंबी, कोई 3 दिन का उपवास कर रहा है, कोई 7 दिन का उपवास कर रहा है, कोई 21 दिन का कर रहा है, कई तो 40-40 दिन का उपवास कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो विषय होता है उस पर कोई भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा होता है। आज एक चीज़ आप देखेंगे कि शायद ये ईस्टर के आसपास के समय होता, मुझे इतना याद नहीं है, जबकि पूरे वर्ल्ड में एक तरीका होता है कि लोग 40 दिन का उपवास कलीसियों में रखा जाता है ना, जिसे लोग रोजा भी बोलते हैं ना। मैं उस रोजे की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बाकी लोग रखते हैं, मैं क्रिश्चियन लोगों में भी एक रोजा होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे वो लोग 40 दिन तक उपवास रखने का मानते हैं, ऐसा वो लोग करते हैं। उसमें 40 दिन कलीसिया के पास्टर अनाउंसमेंट करते हैं कि जिस चीज़ को उपवास रखना 40 दिन उपवास रखो, इस तरह से उपवास रखते हैं और वो एक दूसरे को बताते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि सबको पता चल जाता है भाई ये 40 दिन उपवास रख रहे हैं। अब उस उपवास का क्या कोई फायदा है, मुझे तो नहीं लगता, कि मैं अपने रीति से बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा। क्यों? क्योंकि वो उपवास आप एक ट्रेडिशनल तरीके से रख रहे हैं, साल में आपको वो एक बोला गया है और एक जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि भाई सब मिलकर रख रहे हैं तो हम रख रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। उपवास जब भी बाइबल में रखा गया है उसका एक मकसद है, उसका एक काम है, किसी विशेष विषय के लिए रखा जाता है, किसी कार्य के लिए रखा जाता है, परमेश्वर के पास समय बिताने के लिए रखा जाता है, इस तरह से कुछ ना कुछ उसका काम होता है, इस वजह से उपवास रखा जाता है, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए रखा जाता है। लेकिन ये जो 40 दिन का उपवास साल में एक बार रखा जाता है, एक्चुअल में ये दुनिया को दिखाने के लिए रखा जाता है, ताकि लोग सोचे कि भाई ये व्यक्ति बड़ा धर्मी है, देखो 40 दिन ये उपवास में रह रहा है। और इसमें विश्वासी लोग पीछे नहीं है, इस विश्वासी लोग से ज़्यादा आगे तो पास्टर लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे कलीसिया के अध्यक्ष लोग हैं जो इस बात को प्रमोट करते हैं और दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो लोग भी गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए उपवास का तरीका आपको पता होना चाहिए। कपटियों के समान अगर आप उपवास रखते हैं उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। तो उपवास कैसे रखना है, आप अकेले में रखिए चाहे सामूहिक रीति से रखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप महीने में कम से कम 2 या 3 उपवास का अपना सिस्टम बनाइए, उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, नहीं कम से कम 2 दिन का तो आप सोचिए करना ही करना है, इस तरह से अपने आत्मिक उन्नति के लिए। और आप उपवास रखें दूसरों को दिखाने के लिए ना करें, या जब भी आप उपवास रखते हैं हर जगह ढिंडोरा मत पीटिए कि मैं ना फलाने दिन उपवास रखने वाला हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, इस तरह बोल के ना करें। आप उपवास रखिए, लोगों को बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद आपको देखेगा कि आपका हृदय कैसा है। तो हम उपवास जब रखते हैं प्रभु के संगति में बैठने के लिए रखते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। तो इस तरह से उपवास रखना है और यही सही तरीका होगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया है कि उपवास रखने का तरीका क्या है, किस तरह से रहना चाहिए और परमेश्वर को किस तरह के उपवास पसंद कर सकता है, परमेश्वर की नज़र में कौन सा ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, और परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।